So on page number 123, we have a chapter here that is A Voyage to the City of Lions. वॉयज के मतलब होते हैं सफ़र. सफ़र तो हम जर्नी को भी कहते हैं, लेकिन वो सफ़र जो कि शिप से, समंदर से किया, कश्ती से किया जाए, समंदरी सफ़र, बहरी सफ़र, इसको वॉयज कहा जाता है. तो अ वॉयज टू द सिटी ऑफ लायंस, शेरों के शहर का एक समंदरी सफ़र या बहरी सफ़र. सो दिस इज़ द नेम ऑफ दिस चैप्टर, अ वॉयज टू द सिटी ऑफ लायंस, शेरों के शहर का एक बहरी सफ़र या सफ़र. सिटी ऑफ लायंस हम कहते हैं सिंगापुर को. सिंगापुर जो है, दिस इज़ एक्चुअली अ कंट्री, अ सिटी एज वेल. उसको शेरों का शहर कहा जाता है. क्यों कहा जाता है, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा. सिंगापुर, तो इसके बारे में पढ़ना है. तो दिस इज़ अ ट्रैवलॉग. ये एक ट्रैवलॉग है. ट्रैवलॉग का मतलब होता है सफ़रनामा. उर्दू में हम कहते हैं सफ़रनामा, और इंग्लिश में हम कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड ट्रैवलॉग. ये एक ट्रैवलॉग है, सफ़रनामा है, जिसको एक्चुअल में लिखा जाता था रिटन फॉर्मेट में. अब जो है वो वीडियो लॉग्स चलते हैं. वीडियो लॉग्स, जिनको शॉर्ट में वी लॉग्स कहा जाता है. तो पहले होता था ट्रैवलॉग्स चलते थे, अब जो है वो व्लॉग्स होते हैं. वी लॉग मतलब वीडियो लॉगिंग्स, ठीक है. तो वीडियो लॉग्स अब चलते हैं, चूँकि अब रिटन फॉर्मेट में लोग अब पढ़ते कम हैं और घर से बाहर देखते ज़्यादा हैं लोग यूट्यूब वगैरह पे. तो अब वो व्लॉग का दौर आ गया. पहले ट्रैवलॉग्स होते थे, सफ़रनामे लिखे जाते थे, रिटन फॉर्मेट में लोग लिखते थे. बहुत सारे सफ़रनामे लिखे इब्ने इंशा, उर्दू में राइटर हैं, पतरस बुखारी हैं, दे आर वेरी गुड ट्रैवलॉग्स राइटर्स ऑफ पाकिस्तान. तो ये जो ट्रैवलॉग लिखा है, एक शख्स ने लिखा, एक जो एक ट्रैवलर है उन्होंने लिखा, जिनका नाम है अल्ताफ शेख. तो अल्ताफ शेख ने इनको लिखा है. ही इज़ एक्चुअली अ पाकिस्तानी, बिलोंग्स टू सिंध. तो ही इज़ अ पाकिस्तानी एंड ही बिलोंग्स टू सिंध, द प्रोविंस ऑफ सिंध. और इन्होंने सिंधी में इस ट्रैवलॉग को लिखा है. ही रोट इट इन सिंधी लैंग्वेज. सिंधी से ट्रांसलेट करने वाले शख्स का नाम है प्रोफेसर मनोज कुमार. तो प्रोफेसर मनोज कुमार इज़ अ पर्सन हु ट्रांसलेटेड दिस सिंधी ट्रैवलॉग इन टू इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि हमारे बुक में आ गई. तो राइटर असल में अल्ताफ शेख हैं उसके, और ट्रांसलेट करने वाले मनोज कुमार हैं, ठीक है भाई. तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं दे रहा हूँ उसके बारे में, चैप्टर के बारे में. और सिंगापुर इज़ एक्चुअली अ कंट्री. इट इज़ अ कंट्री इन एशिया. एशिया में एक कंट्री है ये सिंगापुर. आइलैंड कंट्री है, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है. एंड इट इज़ अ वेरी स्मॉल कंट्री. स्मॉल लिख देता हूँ मैं, वेरी स्मॉल कंट्री. काफ़ी एक छोटा एक मुल्क है, ठीक है. कहा जाए कि उसको हमारे शहर कराची जितना बड़ा है, उतना बड़ा ये पूरा सिंगापुर है. जितना बड़ा कराची है उतना ही बड़ा सिंगापुर है. और वो पूरा एक कंट्री है. कराची तो एक सिटी है ना, इतना ही बड़ा पूरा एक मुल्क है कराची जितना बड़ा, दैट इज़ कॉल्ड सिंगापुर, ठीक है. और नाम बड़ा सुना होगा उसने, चूँकि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, इसलिए अक्सर डेवलप्ड कंट्रीज़ के नेम्स हम सुनते हैं. छोटा है इस वजह से नहीं नाम सुना होगा, इस वजह से नाम सुना है कि डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत तरक्की है. और उसके बारे में आज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे अ वॉयज टू द सिटी ऑफ लायंस के अंदर, ठीक है. सिंगापुर के बारे में अक्सर बच्चों ने इसका नाम एटलीस्ट उसका सुना होगा, सिंगापुर का. अच्छा, सिंगापुर एक कंट्री भी है, और उसका जो कैपिटल सिटी है उसका नाम भी सिंगापुर है, उसको कहते हैं सिंगापुर सिटी. तो कुछ कंट्री दुनिया में ऐसे हैं जिनका कैपिटल उसी कंट्री के नाम पर है, जैसे कुवैत. कुवैत एक कंट्री है, उसके कैपिटल है कुवैत सिटी, अगर आप कभी पढ़ोगे उसके बारे में. बिल्कुल इस तरह से और भी कंट्रीज है. मेक्सिको एक कंट्री है, उसका कैपिटल है मेक्सिको सिटी. बिल्कुल वैसे ही ये जो सिंगापुर के साथ भी ये मामला है कि सिंगापुर एक कंट्री है और उसके कैपिटल का नाम है सिंगापुर सिटी. मतलब जो मुल्क है उसी के नाम पर उसका कैपिटल सिटी भी है, चूँकि इतना छोटा है. और असल में इसमें एक ही शहर है, एक ही कंट्री है और उस कंट्री में एक ही शहर है, दैट इज़ कॉल्ड सिंगापुर. तो इस हाँ, तो कैपिटल वही एक शहर है, वही कैपिटल है, चूँकि हर कंट्री में शहर तो होने हैं. अब वो कंट्री इतना छोटा है तो उसमें एक ही शहर है, जो उस पूरे कंट्री कितना बड़ा ही है. तो जितना बड़ा कंट्री है उतना ही बड़ा इसका शहर है, इसलिए सिंगापुर कंट्री का नाम है और सिंगापुर सिटी शहर का नाम है. मतलब कुवैत के साथ भी ऐसा ही है. कुवैत के अंदर कुवैत सिटी के अलावा और कोई सिटी है ही नहीं, इतना छोटा है कुवैत. लेकिन नाम इसलिए इतना सुनते हैं कि बहुत पावरफुल है करेंसी वगैरह के लिहाज से देखा जाए. तो बहुत सारे छोटे छोटे कंट्री बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा उसकी डेवलपमेंट होती है उनके अंदर. हांगकांग जैसे आपने सुना होगा, हांगकांग भी एक कंट्री है और उसके अंदर भी एक ही शहर, दैट इज़ कॉल्ड हांगकांग सिटी, ठीक है. हांगकांग का नाम भी सुना होगा आपने, वही बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है. तो आज हम सिंगापुर के बारे में पढ़ेंगे.
बट चूँकि अभी अजान हो गई, ट्रैवलिंग जो है वो ट्रैवलिंग एक अच्छी चीज़ होती है। सफ़र करना, सफ़र करता है इंसान तो उससे बहुत सारी चीज़ें सीखता है। अगर आप एटलीस्ट अगर आप सफ़र नहीं कर सकते तो आप ट्रैवलॉग्स को रीड करें, है ना। अक्सर बहुत सारे लोग यूट्यूब पे व्लॉग्स वगैरह देखते हैं, चूँकि जाना तो इतना आसान नहीं है ना, तो बनिस्बत ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो है वो उसकी ट्रैवलिंग व्लॉग्स वगैरह देख रहे होते हैं, ट्रैवलॉग्स देख रहे होते हैं। तो इस तरह से आप कुछ हद तक आप भी उसमें सफ़र कर रहे होते हैं उस लिखारी के साथ, उस राइटर के साथ। ये एक चीज़ होती है हमारे पास, दैट्स वाई ट्रैवलॉग्स आर रिटन। और इससे एक और भी चीज़ होती है, आपको पता लगता है कि व्हाट आर द थिंग्स विच आर मिसिंग इन योर लाइफ, व्हाट आर द थिंग्स विच आर मिसिंग इन योर लाइफ। इस मीन्स के द होल वर्ल्ड इज़ नॉट लाइक कराची, तो पूरी दुनिया पाकिस्तान जैसे नहीं है, पूरी दुनिया कराची जैसे नहीं है। कुछ ऐसे भी जगह हैं जहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर, बहुत सारी चीज़ें हमारे इस कंट्री से बहुत बेहतर हैं। तो जब हम ऐसी चीज़ों को पढ़ते हैं ना, तो हमें पता लगता है अपनी कमियों के बारे में, अपनी खामियों के बारे में, अपनी कमजोरियों के बारे में, कि किस चीज़ों में पाकिस्तान हमारा लैक कर रहा है जो बाकी कंट्रीज़ लैक नहीं कर रहे हैं। इस वजह से भी हमें रीड करना चाहिए इस के ट्रैवलॉग्स को। तो स्टार्ट करते हैं, अ वॉयज टू द सिटी ऑफ लायंस। फाइनली, सिंगापुर इज़ ओनली एट 6 आवर्स जर्नी फ्रॉम द पोर्ट क्लांग ऑफ मलेशिया। अच्छा, इस चैप्टर में ही आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है वो एक मैप भी बना हुआ है। अगर आपके पास बुक है तो उस मैप में आप सिंगापुर को आप ढूंढ पाएंगे कि एक जगह पर सिंगापुर लिखा होगा, छोटा सा एक आइलैंड डॉट जैसा दिख रहा होगा। आपको पाकिस्तान भी मिल जाए, बहुत सारे कंट्री मिल जाए, उसमें एक मलेशिया जो है ना, वो सिंगापुर जो है वो आपको एक डॉट की तरह से दिख रहा होगा। बिल्कुल, यू कैन सी इट, इट इज़ सो स्मॉल दैट इट फील्स लाइक अ डॉट ऑन द मैप। सिंगापुर नीचे दिखाई देगा, बिल्कुल मैप में मिड में, नीचे देखना मिड में, बीच में दिख जाएगा। ओके, सो वो आप एरो के साथ देखोगे तो डॉट की तरह से आपको दिखाई देगा। ये पूरा एशियन कॉन्टिनेंट इसके अंदर उन्होंने बनाया हुआ है, उस एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर वो लोकेशन बता रहे हैं किसके भी, सिंगापुर की। और मलेशिया से आप देखते हो बिल्कुल करीब है, मलेशिया उसके साथ ही आपको मिलेगा सिंगापुर के साथ। और पाकिस्तान आप उसके मुकाबले में देखिए कितना बड़ा है, जो सिंगापुर के मुकाबले में अगर आप देखें, उस डॉट के मुकाबले में काफ़ी बड़ा है। तो और ठीक है भाई, यू कैन सी पाकिस्तान का मैप भी आपको दिख रहा होगा उसके अंदर। सो सिंगापुर इज ओनली एट 6 आवर्स जर्नी फ्रॉम पोर्ट क्लांग ऑफ मलेशिया। सिंगापुर मलेशिया के पोर्ट क्लांग से 6 घंटे के फासले पर मौजूद है। मीन्स मलेशिया में एक मकाम है, दैट इज एक पोर्ट है, दैट इज कॉल्ड पोर्ट क्लांग मलेशिया के अंदर, उससे 6 घंटे के फासले पर सिंगापुर है शिप के थ्रू। मतलब जहाज़ के थ्रू अगर देखा जाए तो वो तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, शायद हाफ आवर हो। मतलब जहाज़ के थ्रू 15 मिनट भी शायद नहीं होंगे ऐसा, 15 मिनट आधा घंटा, लेकिन शिप में अगर आप जाएंगे तो 6 घंटे का फासला है कश्ती में जाने में। शिप स्लो चलती है, आपको पता है। एट नाइट वी एंकर्ड इन सिंगापुर। रात के वक्त हमारी कश्ती लंगर अंदाज हुई। एंकर्ड मतलब लंगर अंदाज होना, रुक जाना, एंकर्ड। तो आपको पता है शिप में इस तरह से एक एंकर लगा होता है, इस टाइप का होता है, टॉम एंड जेरी वगैरह में कभी आपने देखा होगा इस टाइप का होता है यूं करके, तो इसको हम लोग एंकर कहते हैं। तो जब कश्ती को रोकना होता है ना, तो वो नीचे गिरा देता है उसमें, तो फिर वो वेट जब नीचे जाता है तो कश्ती रुक जाती है। तो उसको एंकर्ड मतलब लंगर अंदाज होना या रुक जाना। हमारी कश्ती रात के वक्त वहाँ पर रुकी सिंगापुर में। फ्रॉम अवर शिप द लाइट्स ऑफ सिंगापुर स्ट्रीट्स एंड हाई राइज बिल्डिंग्स वर शिमरिंग एज इफ डेकोरेटेड फॉर अ वेडिंग। हमारी कश्ती से सिंगापुर के सड़कों की लाइटें और हाई राइज बिल्डिंग, फलक बोस इमारतें, जो ऊँची ऊँची इमारतें थी, उसकी लाइटिंग वो शिमरिंग, वो टिमटिमा रही थी, एज इफ डेकोरेटेड फॉर अ वेडिंग, जैसे कि किसी शादी के लिए उस पूरे शहर को सजाया गया। तो इसकी जो बिल्डिंग्स थी, ऊँची ऊँची इमारतें सिंगापुर में, अगर आप कभी आप गूगल में इमेजेस में देखते हैं नाइट टाइम पिक्चर, बहुत सारे आपको ना बल्ब चलते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा लग रहा होता है शादी में किसी एक शहर को पूरे सजाया गया है। शिमरिंग मतलब टिमटिमा रही थी। ऑल द अदर वेसल्स ऑफ वेरियस कंट्रीज वर एंकर्ड देयर टू। बाकी और भी बहुत अदर दूसरे वेसल्स वेसल्स मतलब जहाज, पानी के जहाज, तो ऑल द अदर वेसल्स ऑफ वेरियस कंट्रीज वर एंकर्ड देयर टू। और बाकी दूसरे पानी के जहाज, ठीक है, ओके। सो
ऑल द अदर वेसल्स ऑफ वेरियस कंट्रीज वर एंकर्ड देयर टू. बाकी दूसरे वेसल्स मतलब यहाँ पर कश्तियाँ हैं, बाकी दूसरी कश्तियाँ मुख्तलिफ कंट्रीज़ की वहाँ पर लंगर अंदाज हुई हुई थी. देयर रिफ्लेक्शंस इन द वाटर प्रोवाइडेड अ वंडरफुल व्यू. पानी में उनका अक्स जो पानी में आ रहा था वो बड़ा एक शानदार मंजर पेश कर रहा था. एंड इट सीम्ड एज इफ ईच वेसल वर अ स्मॉल आइलैंड. और ऐसा लग रहा था हर एक कश्ती एक छोटा सा आइलैंड, छोटा सा जजीरा है. चूँकि बहुत बड़े बड़े कश्ती होती हैं, ख़ास तौर पर वो कश्तियाँ जो कि ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, जिनके ऊपर कंटेनर्स लगे हुए होते हैं. बहुत बड़ी बड़ी कश्तियाँ होती हैं, वो कार्गो शिप्स जिनको हम कहते हैं. तो वो बिल्कुल एक जजीरे की तरह होती हैं, पूरा एक समझो कि पूरा एक आइलैंड बना होता है उनके ऊपर. तो ऐसा लग रहा था जैसे हर एक कश्ती उसमें से एक आइलैंड, एक छोटा सा जजीरा है, छोटा सा एक आइलैंड है. फ्रॉम अ ज्योग्राफिकल परस्पेक्टिव सिंगापुर इज लोकेटेड एट अ मैरीटाइम क्रॉस रोड. वी आर ऑलमोस्ट एवरी शिप सेलिंग टू और फ्रॉम द पैसिफिक टू द इंडियन ओशियन और द साउथ चाइना सी एंकर्स हियर. ज्योग्राफिकल परस्पेक्टिव, ज्योग्राफियाई नुक्ता नज़र से, परस्पेक्टिव नुक्ता नज़र, ज्योग्राफिकल मतलब ज्योग्राफियाई, अगर ज्योग्राफियाई नुक्ता नज़र से देखा जाए तो सिंगापुर मौजूद है अ मैरीटाइम क्रॉस रोड. मैरीटाइम मतलब एक समंदरी, क्रॉस रोड मतलब एक चौरंगी कह सकते हैं, क्रॉस रोड चौराहा, एक समंदरी चौराहे पर मौजूद है जहाँ पर हर शिप जो सेल करते हुए सफ़र करते हुए आती है पैसिफिक से, पैसिफिक ओशियन से इंडियन ओशियन की तरफ या फिर साउथ चाइना सी की तरफ एंकर्स हियर, वो यहाँ पर लगन अंदाज होती है. अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैप में दोबारा से आपको ना राइट हैंड पे आपको पैसिफिक ओशियन मिलेगा. पैसिफिक ओशियन लिखा होगा ब्लू कलर से. पैसिफिक ओशियन मीन्स लाइक वो बहरुल काहिल जिसको हम कहते हैं बिगेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा जो ओशियन है. पैसिफिक ओशियन से अगर आप जाना चाहें इंडियन ओशियन की तरफ या साउथ चाइना सी, वैसे चाइना की तरफ है यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, इंडियन ओशन आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ समंदर पर. तो अगर आप पैसिफिक ओशन से इंडियन ओशन जाना चाहें या फिर साउथ चाइना सी, ये चाइना के पास एक समंदर उसके साउथ में, वहाँ जाना चाहें तो आप तो हर एक शिप को यहाँ से सिंगापुर से गुजर कर ही जाना पड़ता है. तो एक तरह से क्रॉस रोड की तरह एक चौरंगी जो होती है ना, चौरंगी सर कोई होकर गुजरता है ना, जैसे कि दुआ चौरंगी है मिसाल के तौर पर. अब वो जो भी गाड़ियाँ जाएँ कुछ भी तो उस चौरंगी से होकर फिर पाँच नंबर की तरफ निकलेंगे जो इस तरफ से आ रही होंगी. तो वो एक चौरंगी की तरह है, एक क्रॉस रोड की तरह, एक चौराहे की तरह है. जो भी कश्तियाँ पैसिफिक ओशियन से इंडियन ओशियन या साउथ चाइना सी की तरफ जाती हैं वो यहाँ पर एंकर्ड होती हैं थोड़ी देर के लिए. उसमें फिर फ्यूल वगैरह भरना है या फिर कुछ और स्टे करना है तो उसके लिए यहाँ पर रुकती हैं. ऐसे शहर बहुत ज़्यादा मतलब के प्रोमिनेंट शहर होते हैं, ऐसे दुबई भी इस तरह के जैसे कि एक सिटी है, वहाँ पर भी कश्तियाँ बहुत सारी रुकती हैं दुबई के अंदर. इस वजह से दुबई बहुत मशहूर हुआ आगे जाकर. इट इज़ अ फ्री पोर्ट एज वेल एज अ मेजर सेंटर फॉर फ्यूल ऑफ शिप्स. ये एक फ्री पोर्ट है, इसके साथ साथ ये एक बुनियादी मरकज़ है और फ्यूल फॉर शिप्स मतलब कश्तियों में ईंधन भरने का. वो शिप्स जो कि काफ़ी लंबा सफ़र करके आ रही होती हैं उनमें फ्यूल, पेट्रोल, डीजल कुछ भी अगर कम हो जाता है, फ्यूल ईंधन कम हो जाता है तो ईंधन को रिफ्यूल करने के लिए ये एक बहुत बेहतरीन मरकज़ होता है. एक मेजर एक सेंटर है, एक मेजर सेंटर एक बुनियादी मरकज़ है, यहाँ पर फ्यूलिंग की जाती है शिप्स की. और एक फ्री पोर्ट है, फ्री पोर्ट से क्या मुराद, टैक्स फ्री, ड्यूटी फ्री. जैसे दुबई इज़ अ फ्री पोर्ट. फ्री पोर्ट क्या होता है, जहाँ पर कश्तियों के लंगर अंदाज होने में ना उनमें ड्यूटी नहीं लगती, फ्री में मतलब कोई पैसे नहीं लगे. कुछ होते हैं कि पैसे लेते हैं भाई, जितना देर आप कश्ती खड़ी रहेगी उतने देर तक पैसे लगेंगे. जैसे कराची का पोर्ट जो है ना वो फ्री पोर्ट नहीं है कराची का, जितने देर तक कंटेनर रुका रहेगा उतने देर तक के पैसे बनते रहेंगे. लेकिन दुबई के अंदर, सिंगापुर के अंदर ऐसा नहीं है. आप जितना देर भी वहाँ पर अपनी शिप को खड़ा कर दो कोई पैसे नहीं लगते. सिर्फ कंट्री को क्या फ़ायदा पहुँचता है, वहाँ पर टूरिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं. मिसाल के तौर पर कश्ती वहाँ पर रुक गए थोड़ी देर के लिए, उसके बाद टूरिस्ट वहाँ पर उतरे, शॉपिंग वगैरह की घूमा फिरा, उसके बाद चले गए. इसलिए दुबई ने यही टेक्निक अपनाई थी, इसकी वजह से वो बहुत आगे मशहूर हुआ फ्री पोर्ट होने की वजह से. ठीक है, तो वो सिंगापुर भी एक फ्री पोर्ट है, मतलब वहाँ पर कश्ती रुक सकती है, कोई पैसे नहीं लेते पोर्ट वाले आपसे. शी सीम लाइक एन अर्थ एंड लैम्प सराउंडेड बाय मॉथ्स. शी से मुराद यहाँ पर सिंगापुर, ये जजीरा शी से मुराद यहाँ पर सिंगापुर है, कोई फीमेल नहीं है, मतलब कंट्री को कह रहे हैं. शी सीम लाइक एन अर्थ एंड लैम्प, ये सिंगापुर लगता है एक अर्थ एंड लैम्प की तरह, मतलब एक मिट्टी का चराग जैसे होता है ना, एक चराग की तरह है. सराउंडेड बाय मौत, मौत मतलब पतंगे, मौत कहते हैं पतंगों को. जैसे पतंगे चारों तरफ नहीं जमा हो जाते हैं सर्दियों बारिश के मौसम में किसी, तो बिल्कुल इसी तरह से ये जो तमाम कश्तियाँ हैं सिंगापुर के चारों तरफ जमा हो जाती हैं आकर, जैसे कि चराग को चारों तरफ से घेरा हुआ है पतंगों ने. ठीक है ना, ऐसे मौत पतंगों को कहते हैं, छोटे छोटे होते हैं, देखा होगा आपने. सिंगापुर जेटी वॉज क्वाइट लार्ज, जेटी बंदरगाह, सिंगापुर का बंदरगाह काफ़ी बड़ा था. स्मॉल मोटर बोट्स वर मूविंग इन द वाटर लाइक टैक्सीज टू गेट पीपल टू एंड फ्रॉम द शिप टू पोर्ट. छोटे छोटे मोटर बोट मतलब लाइक यॉट जिसको कह रहे थे अभी हम, छोटी कश्तियाँ जो मोटर से चलती हैं, वो मूव कर रही थी पानी में इधर उधर टैक्सी की तरह.
ताकि लोगों को शिप से पोर्ट तक लाया जाए, क्योंकि शिप तो आपको पता है कि वहीं पर लंगर अंदाज हो जाती है। आप शिप से नीचे उतरना है अगर, तो उसके लिए फिर क्या होता है, मुख्तलिफ मोटर बोट्स होते हैं जो शिप से पैसेंजर को लेकर पोर्ट की तरफ लेकर आ रहे होते हैं, तो वो टैक्सी की तरह से काम करते हैं। एज सून एज एनी सच टैक्सी केम नियर इट वॉज हेल्ड एंड द फेयर वॉज हैगल्ड। जैसे ही कोई ऐसी कश्ती करीब आती है शिप के, इट वॉज हेल्ड, हेल्ड मतलब पुकारना, उसको पुकारा जाता है एंड द फेयर वॉज हैगल्ड, फेयर मतलब किराया, हैगल्ड तय करना, उसके बाद किराया तय किया जाता है भाई कितने में जाओगे। जैसे टैक्सी नहीं थे भाव ताव करते, भाव करने के बाद फिर उसमें बैठ कर मोटर बोट में फिर लोग वहाँ से जो चले जाते हैं, लॉन्च भी जिसको कहते हैं आप लोग, लॉन्च में मोटर बोट भी कहा जाता है उसको, उसमें चले जाते हैं पोर्ट तक। तो ये भी मतलब पहले कश्ती उनकी वहाँ पर लंगर अंदाज हुई तो वहाँ स्टोरी बता रहे कि वहाँ वो क्या मंजर देख रहे हैं, बस समझ में आ गया था सबको। सिंगापुर सिटी, सिंगापुर इज़ अ स्मॉल आइलैंड कंट्री, सिंगापुर एक आइलैंड कंट्री है, आइलैंड मतलब जजीरा है, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, मैप में भी आप देखेंगे तो वो डॉट के चारों तरफ पानी ही दिखेगा आपको। द लार्जेस्ट इनलैंड रिवर इज़ ओनली 9 miles लॉन्ग विच फ्लड्स इन द सी। सबसे बड़ा उसके जो दरिया है, सबसे बड़ा दरिया सिंगापुर का सिर्फ 9 miles लंबा है, मतलब 9 miles लंबा एक सबसे बड़ा दरिया है उसका, सिर्फ 9 miles लॉन्ग है, जो कि फ्लड्स इन द सी, जो समंदर पर आकर गिर जाता है। द रिवर वॉज फिल्ड विथ ह्यूज बोट्स एंड बार्जेस। इस दरिया में, ये दरिया भरा है विथ ह्यूज बोट्स, बड़े बड़े कश्तियों से, एंड बार्जेस, बार्जेस मतलब, बार्जेस किसे कहते हैं, तिजारती जहाज, मतलब एक फ्लैट टाइप का आपने देखा होगा, वो बड़ा फ्लैट टाइप का एक शिप जैसा होता है और उसमें कोई इंजन या मोटर नहीं लगा होता है, बल्कि आगे एक और कश्ती लगाकर उसको खींचा जाता है, फिर मतलब उसके ऊपर कंटेनर वगैरह रखे होते हैं तो आगे उसके एक और कश्ती लगाई जाती है जिसको खींचती है वो, जैसे एक लकड़ी का एक बड़ा समझ जाओ कि एक कश्ती बनी होती है, बार्जेस जिसको कहते हैं, कार्गो शिप भी जिसको कहा जाता है, तो वो उसके आगे मोटर आगे लगी होती है, पीछे सिर्फ बार्जेस होते हैं, मतलब लकड़ी का एक बहुत बड़ा तख्ता होता है, काफ़ी बड़ा पूरी कश्ती बनी होती है, उसके ऊपर कंटेनर बहुत सारे रखे हुए होते हैं और आगे उसको एक कश्ती खींच रही होती है, तो बोट तो कश्तियों को कहते हैं और बार्जेस तजारती जहाज हम कह सकते हैं उसको, ये कार्गो शिप कह सकते हैं उसको। तो आपने बार्जेस का सुना नहीं होगा, पहली बार आप ये वर्ड सुन रहे होंगे। कार्गो वॉज लोडेड इन टू ट्रक्स विच अराइव्ड एट द रिवर फ्रॉम वेयर इट वॉज सेंट टू शिप्स थ्रू बार्जेस। ठीक है, कार्गो को, कार्गो वॉज लोडेड इन टू द ट्रक्स, कार्गो को लोड किया जाता है ट्रक में जो बाद में पहुँचते हैं, विच अराइव एट द रिवर, जो रिवर तक पहुँचता है, फ्रॉम वेयर इट वॉज सेंट टू शिप्स थ्रू बार्जेस, बाद में उसको कश्तियों में भेजा जाता है बार्जेस के जरिए। दीज बार्जेस डिड नॉट हैव एनी इंजन, इन बार्जेस में कोई इंजन नहीं होते हैं, देखो आगे बता रहे इंजन नहीं लगा होता। वैन 4 to 5 बार्जेस वर लोडेड, जब 4 से 5 बार्जेस को लोड कर दिया जाता है, अ लार्ज मोटर बोट पुल देम टू शिप, तो एक बड़े मोटर बोट उनको खींचते हुए शिप तक लेकर चले जाती है, मतलब वो इस तरह से काम होता है बार्जेस का। फ्रॉम अ फार दे लुक लाइक कैमल कारावांस, दूर से ऐसा लगता है जैसे ऊँटों के काफले हैं, ये कैमल कारावांस से ऊँटों के काफले हैं। द आइलैंड ऑफ सिंगापुर इज़ नॉट फार फ्रॉम मलेशिया, सिंगापुर का जजीरा मलेशिया से बहुत दूर नहीं है, मलेशिया से बहुत करीब है, मैप में भी आपको दिख सकते हैं काफ़ी करीब है। इट हैज़ द सेम रिलेशन एज द आइलैंड ऑफ मनोड़ा हैज़ विद कराची, इसका रिश्ता वैसे ही है जो रिश्ता मनोड़ा के जजीरे का है विद कराची, कराची के साथ। अगर कराची में, अगर आप मनोड़ा जो एक आइलैंड है, अगर आप उसमें कभी गए हैं आप में से, तो आपको पता होगा शायद किमाली पोर्ट से आते, किमाली पोर्ट में एक लॉन्च में बैठते हैं, फिर वो लॉन्च से मनोड़ा तक जाते हैं। ठीक है, वो एक काफ़ी एक बड़ा जजीरा टाइप का, पूरा एक जजीरा चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है और पूरी एक कम्युनिटी उसमें रहती है, आधा पोर्शन तो उसका पाकिस्तान नेवी ने उसको घेरा हुआ है, तो पाकिस्तान नेवी का एक बेस वहाँ पर मौजूद है, उसके बाद आगे आधे पोर्शन में मछेरे वगैरह अक्सर वहाँ पर रहते हैं। सुना होगा आपने, वो एक आइलैंड है, कराची शहर से बहुत करीब है, अक्सर लोग वहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं मनोड़ा के साहिल में। ठीक है, जैसे भिट आइलैंड भी सुना होगा आपने, भिट आइलैंड भी इसी तरह का एक आइलैंड है, छोटे छोटे आइलैंड्स कराची में भी मौजूद हैं, मतलब अरेबियन सी के ऊपर। तो बिल्कुल जिस तरह से कराची और मनोड़ा के जो शहर है ना, कितना के थोड़ा से फासले के बाद एक जजीरा आ जा रहा है, बिल्कुल वैसे मलेशिया और उसका ताल्लुक है सिंगापुर का। एज वी हैव किमाली, जैसे हमारे पास किमाली है, किमाली का इलाका, सो इज़ द मलेशियन सिटी ऑफ जोहर, इस तरह से मलेशिया का एक शहर है, मलेशिया एक अलग कंट्री है, मलेशिया का एक शहर है जोहर, गुलिस्तान जोहर नहीं है, वो तो हमारे कराची में है, जोहर नाम से एक जोहर के नाम से एक सिटी है मलेशिया का, विच लाइज जस्ट अ क्वार्टर ऑफ माइल अवे फ्रॉम सिंगापुर, जो सिर्फ क्वार्टर अ माइल 0.25 miles अवे है, कहाँ से भी, सिंगापुर से, मतलब एक साहिली शहर है मलेशिया का, उसका नाम जोहर है, उससे बस 0.25 miles दूर क्या है, सिंगापुर का शहर है, बिल्कुल जितना दूर हमारा कराची से मनोड़ा है। ठीक है, बिल्कुल उतना ही दूर जोहर सिटी से सिंगापुर है। देर इज़ अ ब्रिज दैट कनेक्ट्स जोहर विद सिंगापुर, एक ब्रिज है, एक पुल है जो कि जोहर सिटी को मलेशिया के किससे कनेक्ट करती है, सिंगापुर से। जस्ट क्रॉस द ब्रिज
एंड यू कैन जंप फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. बस ब्रिज को आप क्रॉस करें, पुल को पार करें और एक कंट्री से दूसरे कंट्री में चले जाएंगे. मतलब ब्रिज से दोनों कंट्री कनेक्ट हुए हैं. और चूंकि मलेशिया और सिंगापुर में फ्रेंडली रिलेशंस हैं तो ब्रिज के ऊपर कोई आर्मी मिलिट्री नहीं मौजूद है जो आपको बॉर्डर क्रॉस करने से रोकेगी. मतलब आप फ्रीली आप मलेशिया से सिंगापुर पर जा सकते हैं. बस पासपोर्ट होना चाहिए किसान के पास तो वो चला जाएगा. मतलब कोई हैवी डीमिलिट्राइज जोन नहीं है उसके अंदर कि उसमें मिलिट्री वगैरह कुछ रखी हुई है, फौज खड़े हुए, ऐसा नहीं. बस एक पुल के एक तरफ मलेशिया है, पुल के दूसरी तरफ सिंगापुर है, एक पुल से दोनों जुड़े हुए. तो ये बड़ा, अगर आप इसको इंटरनेट पर जाकर सर्च करेंगे तो आपको ये सब दिखेगा इस पर. देयर इज अ कॉजवे एज वेल एज रेलवे ट्रैक अलॉन्ग द ब्रिज. कॉजवे मतलब एक रास्ता, एक रोड. उस ब्रिज पर एक रोड बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है इधर से उधर जाने का, और साथ साथ रेलवे ट्रैक भी ब्रिज के साथ है. एक ट्रेन जिस पर चलती है, ट्रेन का एक ट्रैक भी है जो मलेशिया से सिंगापुर तक एक ट्रेन जाती है. सिंगापुर इज अ कंट्री ऑफ मैनी रिलीजन्स एंड नेशंस. सिंगापुर एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर बहुत से मजाहिब और बहुत से कौम वाले रहते हैं. सिंगापुर एक ग्लोबल विलेज की तरह है. अक्सर ऐसे मशहूर जो शहर होते हैं ना वो ग्लोबल विलेज होते हैं, जैसे दुबई. मल्टीकल्चरल आपको वहाँ पर एनवायरनमेंट मिलेगा. डिफरेंट दुनिया के लोग, डिफरेंट मजाहिब के, डिफरेंट कंट्री के लोग दुबई में, हांगकांग में, सिंगापुर में आपको मिलेंगे. सिर्फ एक जगह की जैसे कराची है ना, एक ही जैसे लोग यहाँ पर मिलेंगे, बट सिंगापुर में ऐसा नहीं है. बहुत अकवाम के लोग, डाइवर्सिटी उसके अंदर वहाँ पर मौजूद है. अमंग इट्स पॉपुलेशन आर मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट, हिंदूस, क्रिश्चियंस एंड सिख. उनकी आबादी में मौजूद हैं मुस्लिम्स हैं, बुद्धिस्ट हैं, बुद्ध मत के फॉलोअर जो होते हैं, बुद्धिस्ट रिलीजन. बुद्धिस्ट आपने सुना होगा, उसमें बुद्धिस्ट एक रिलीजन है. गौतम बुद्धा को मानते हैं ये. गौतम बुद्धा के स्टेचूज होते हैं बहुत बड़े बड़े, उसमें मिट्टी के बने हुए. बुद्धिस्ट, हिंदूस, हिंदू तो आप पता है, क्रिश्चियंस मतलब ईसाई, और सिख, सिख मजहब भी आप जानते हैं, सिख लोग, ये सारे उसमें रहते हैं. मुसलमानों की आबादी 19% इसके अंदर है. ऐसे में इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूँ कि 19% मुस्लिम जो है वो सिंगापुर में रहते हैं, 19% मुसलमान है, बाकी जो है वो अलग, बाकी सब रिलीजन के लोग रहते हैं. सबसे ज़्यादा इसके अंदर बुद्धिस्ट रहते हैं. तो मेजोरिटी यहाँ पर मुसलमानों की नहीं, मेजोरिटी बुद्धिस्ट की है. सेकंड नंबर पे मुसलमान ज़्यादा रहते हैं इसके अंदर, उसके बाद थर्ड नंबर पे बाकी मजाहिब हैं. तो मुस्लिम भी अच्छे खासे हैं, 19% तक मुसलमान हैं इस कंट्री के अंदर. और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बारे में सर्च कर रहा था आज मैं इंटरनेट पर, तो वो मतलब पढ़ाने से पहले मैं अक्सर सर्च करता हूँ चीज़ों को. तो वो एक मुस्लिम है, मतलब इनकी प्राइम मिनिस्टर खातून एक है, इनकी प्राइम मिनिस्टर सिंगापुर की, एंड शी इज़ अ मुस्लिम. वो एक मुस्लिम है, मुसलमान है. वेरियस लैंग्वेजेस आर वाइडली स्पोकन. बहुत से ज़बानें बोली जाती हैं वहाँ पर सिंगापुर के अंदर. बट देयर आर 4 नेशनल लैंग्वेजेस. लेकिन चार उनकी कौमी ज़बानें हैं, चार ज़बानें उनकी कौमी ज़बानें, नेशनल लैंग्वेजेस हैं. इंग्लिश सबसे पहले, सेकंड मलाय. मलाय लैंग्वेज किसकी है भाई? मलाय इज़ अ लैंग्वेज ऑफ मलेशिया. मलेशिया के लोग जो ज़बान बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड मलाय. ठीक है, तो मलाय लैंग्वेज है, मलेशिया की ज़बान है ये. तो वो सिंगापुर में भी बोली जाती है बड़ी तादाद में, चूँकि मलेशिया आपको पता है सिंगापुर से कनेक्टेड है. तो बहुत सारे मलेशिया के लोग सिंगापुर में रहते हैं, चूँकि इजी है ना, जाना आसान है, थोड़ा सा तो करीब है तो इजीली मूव कर जाते हैं. तो मलाय लैंग्वेज इसके अंदर बहुत ज़्यादा बोली जाती है. ठीक है, चाइनीज़ लैंग्वेज बोली जाती है बहुत ज़्यादा. चाइनीज़ कल्चर भी आपको दिखेगा सिंगापुर के अंदर. एंड तमिल, तमिल लैंग्वेज भी बोली जाती है. तमिल जो श्रीलंका की ज़बान है, या तमिल इंडिया की ज़बान है, साउथ इंडिया की ज़बान है, तमिलनाडु की ज़बान है. तमिल मूवीज़ वगैरह आपने देखी होंगी उसमें. तो तमिल ज़बान सिर्फ इंडिया में नहीं बोली जाती, पूरे श्रीलंका में भी तमिल लैंग्वेज ही बोली जाती है, और सिंगापुर में भी तमिल लैंग्वेज बोली जाती है बड़ी तादाद में. तमिल एक बहुत बड़ी ज़बान है, मतलब छोटी ज़बान नहीं है. तमिल फिल्में वगैरह जो आती हैं अक्सर, बहुत बड़ा बड़ी इंडस्ट्री उनकी तमिल मूवीज़ की जो होती है. तो सिंगापुर साइन बोर्ड्स अपीयर इन दोज लैंग्वेजेस सोडो प्रोग्राम्स ऑन टीवी एंड रेडियो. साइन बोर्ड इन्हीं चार ज़बानों में लिखे होते हैं. इसी तरह से टीवी और रेडियो में प्रोग्राम्स भी इन चार ज़बानों में ही आ रहे होते हैं. मतलब एक ज़बान में नहीं आते, चारों ज़बानों को यूज़ कर रहे होते हैं. देयर इज़ अ साइजेबल मुस्लिम पॉपुलेशन इन द सिटी. और इस शहर में साइजेबल मतलब बड़ी तादाद में मुस्लिमों और मुसलमानों की आबादी मौजूद है. कसीर तादाद में मुसलमान यहाँ पर मौजूद है, जैसे 19% मैंने बताया, तो एक बड़ी आबादी है, कम नहीं है. मेजोरिटी नहीं है लेकिन एक बड़ी तादाद है मुसलमानों की वहाँ पर सिंगापुर के अंदर. सिंगापुर इज़ नोन इन द वर्ल्ड एज वन ऑफ द प्रॉस्पेरस एंड वेल्थीएस्ट कंट्रीज इन द एरिया. सिंगापुर को दुनिया में समझा जाता है एक सबसे प्रॉस्पेरस. प्रॉस्पेरस मतलब बहुत खुशहाल, एंड वेल्थीएस्ट और दुनिया के मालदार तरीन, दौलतमंद तरीन मुल्कों में से एक है सिंगापुर. पिक्चर्स वगैरह जब आप देखेंगे तो आपको लग ही रहा होगा उसमें, पिक्चर्स देख करके कोई छोटा मोटा कंट्री नहीं होगा ये. बिल्डिंग्स वगैरह देखेंगे तो है ना भाई फर्स्ट पेज पर. देर इज़ अच्छा आगे कहते हैं कि People might mistake it for a large country with abundant agricultural products or minerals. लोग अक्सर गलती खा जाते हैं, लोग अक्सर गलती कर जाते हैं
और इसको समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ा वतन होगा रकबे के लिहाज से, विद अबंडेंट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, जिसमें वाफिर मकदार में ज़रई इसकी पैदावार होगी, एंड मिनरल्स, या फिर मिनरल्स होंगे, मादिनियात होंगे। अक्सर लोगों को ये लगता है, जैसे आप में से भी कुछ को लगता होगा, कि सिंगापुर शायद कोई बहुत बड़ा कोई कंट्री है। अब इतना अगर प्रॉस्पेरस, इतना वेल्दी हो, तो शायद कोई बहुत बड़ा कंट्री होगा, और बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी उसके अंदर की जाती होगी, या बहुत ज़्यादा मिनरल्स उसके अंदर से निकलते होंगे, तभी इतना मालदार है। बट ऐसा कुछ भी नहीं, ना ही ये कंट्री बहुत बड़ा है, ना ही इसमें कोई बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी की जाती है, और ना ही इसके अंदर से कोई मादिनियात। इतना सा तो कंट्री है, इसमें से क्या क्या खेती बाड़ी करेंगे और क्या मादिनियात निकालेंगे इसके अंदर से। बट मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि आजकल कंट्रीज़ कैसे ताकतवर होती हैं और कैसे प्रॉस्पेर है, सिर्फ खेती बाड़ी करके नहीं, पाकिस्तान की तरह कुछ और वजूहात है कंट्रीज़ को ऊपर करने की, जो आज की दादा आज जो जो कंट्री ऊपर जा रही है। टूरिज़्म सबसे बड़ी वजह उसके अंदर है, टूरिज़्म इंडस्ट्री, सयाहत, दूसरे कंट्री से लोग आपकी कंट्री में आएँ, इन्वेस्टमेंट करें और जाएँ यहाँ से। जितना ज़्यादा ये होगा वो कंट्री उतने डेवलप्ड है, दुबई, हांगकॉन्ग, सिंगापुर, ये सब इसी वजह से मशहूर है। अब ये सब चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। सिंगापुर इज़ अ स्मॉल आइलैंड, सिंगापुर एक छोटा जजीरा है, विच इज़ जस्ट लाइक अ डॉट ऑन द वर्ल्ड मैप, और दुनिया के नक्शे में एक डॉट की तरह है, देखा ना हमने, डॉट की तरह है। द एरिया ऑफ द होल कंट्री इज़ ओनली 225 स्क्वायर माइल्स, इस पूरे कंट्री का जो एरिया है ना, रकबा है, वो 220 स्क्वायर माइल्स है, मुरबा मील है बस, 220 स्क्वायर माइल्स, लगभग कराची जितना बड़ा ही है। 220 स्क्वायर माइल को बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, यहाँ से मलीर तक चले जाओ बस, इतना बड़ा है, और ज़्यादा थोड़ी ना जाएगा। 80% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन जस्ट 28 स्क्वायर माइल्स ऑफ द लैंड अराउंड द पोर्ट, 80% आबादी इसकी रहती है, जो 28 स्क्वायर माइल का जो ज़मीन है पोर्ट के आसपास, बंदरगाह के आसपास वहीं रहती हैं। मतलब है तो वैसे कहा जा रहा है कि 20 के 220 स्क्वायर किलोमीटर का है, लेकिन इसकी 80% आबादी से पोर्ट के आसपास जो इलाका है ना, 28 स्क्वायर माइल का वहाँ पर रहती है। बाकी मतलब जहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, पोर्ट सिटीज़ आपको पता है, हमेशा ज़्यादा आबादी वहीं पर होती है जहाँ बंदरगाह होता है, पोर्ट होता है। लाइक जापान, शी इम्पोर्ट्स एवरी रॉ मटेरियल एंड मोस्ट ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स, जापान की तरह ये भी इम्पोर्ट करती है, दरामद करती है तमाम खाम माल, तमाम रॉ मटेरियल, सारे खाम माल, एंड मोस्ट ऑफ द फूड प्रोडक्ट, खाने पीने की अक्सर चीज़ें ये इम्पोर्ट करती है। मतलब इनके पास इतना बड़ी जगह ही नहीं है ना, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है लेकिन खेती बाड़ी करने के लिए इतनी बड़ी जगह ही नहीं है। तो ये जापान की तरह सारे खाने पीने की चीज़ें जो भी हैं, फूड आइटम्स, रॉ मटेरियल्स, मादिनियात वगैरह, वो सब इम्पोर्ट करते हैं, बाहर कंट्री से मंगवाते हैं, ख़रीदते हैं बाहर कंट्री से, क्योंकि मेरे पास जगह ही नहीं उगाने के लिए इतना कुछ। हाउएवर, अब आप बोलोगे सर इसके तो बहुत मसला हो जाता है, उस कंट्री के पास तो खाने पीने का ही नहीं है, तो ये तो कंट्री बहुत गरीब हो जाएगी ऐसे चीज़ें इतना ज़्यादा इम्पोर्ट करेगी तो, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि जापान भी तो देखिए, जापान भी ऐसे ही करते कह रहे हैं, लेकिन जापान भी एक डेवलप्ड कंट्री है, जापान में भी खेती बाड़ी इतनी नहीं होती है, सारी चीज़ें वो बाहर से मंगाते हैं। लाइक जापान शी इम्पोर्ट्स, अच्छा आगे कह रहे हैं, हाउ एवर लाइक जापान शी इज़ वाइज इन मैटर्स ऑफ मनी एंड वेल्थ, बहरहाल जापान की तरह ये कंट्री भी अकलमंद है पैसे और दौलत के मामलों में, बहुत अकलमंद मुल्क है ये, कैसे पैसे बनाया जाता है कंट्री में। मच ऑफ आवर इनकम डिपेंड्स अपॉन द अराइवल ऑफ टूरिस्ट, ट्रेड एंड शिप्स फ्रॉम ओवरसीज, इसकी ज़्यादातर जो इनकम से मुराद की ज़्यादातर जो आमदनी है इस कंट्री की, वो इनसार करती है अराइवल ऑफ टूरिस्ट, सयाहों के आमद पर इनसार करती है, जो सयाह टूरिस्ट वगैरह इस पर आते हैं, ट्रेड तजारत करके ये लोग पैसे कमाते हैं, एंड शिप्स फ्रॉम ओवरसीज, और जो शिप्स आती हैं ओवरसीज से, चूँकि ड्यूटी तो नहीं लगती उनके ऊपर, लेकिन बाकी अदर चीज़ें उस पर अप्लाई हो रही होती हैं, ठीक है, अदर टैक्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, तो उससे फिर वो कमा रहे होते हैं ओवरसीज से, जो दूसरे बाहर कंट्रीज से आ रहे होते हैं, ओवरसीज मतलब बैरून ममालिक से आ रहे होते हैं, मतलब टोटल टूरिज्म से और पोर्ट से अपने ये सिंगापुर ये कंट्री कमाता है। टूरिस्ट एंड ट्रेडर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम हेयर फॉर बिजनेस, शॉपिंग एंड लीजर, पूरी दुनिया से सयाह मतलब घूमने फिरने वाले ट्रेडर्स, ताजिर आते हैं पूरी दुनिया से यहाँ पर कारोबार करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, और लीजर सैर व तफरी करने के लिए पूरी दुनिया से लोग सिंगापुर आते हैं। बड़ी तादाद अमीर लोग जो होते हैं, वेल्दी पीपल होते हैं ना, जब वर्ल्ड टूर पर निकलते हैं तो सिंगापुर में जाते हैं। मतलब एक बहुत वर्ल्ड सींग जगह है कि जहाँ पर अक्सर लोग जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए, पिकनिक स्पॉट के तौर पर जो अमीर लोग होते हैं अक्सर वो लोग। सिंगापुर इज़ द शॉपर्स पैराडाइज, वेयर वन कैन बाय ऑलमोस्ट एवरी थिंग एट चीपर रेट्स देन इवन द कंट्री ऑफ इट्स ऑरिजिन। सिंगापुर खरीदने वालों के लिए, ख़रीदारी करने वालों के लिए एक जन्नत है, शॉपर्स पैराडाइज है। जिन लोगों को शॉपिंग पसंद है उनके लिए सिंगापुर एक जन्नत है, एक पैराडाइज है, जहाँ पर वो हर चीज़ खरीद सकते हैं सस्ते दामों में। देन इवन द कंट्री ऑफ इट्स ऑरिजिन,
ओरिजिन मतलब जिस कंट्री से वो चीज़ ताल्लुक़ रखती होगी उस कंट्री से भी कम दाम में आप यहाँ पे ख़रीद लेंगे, क्योंकि ड्यूटी फ्री है। मिसाल के तौर पे ये मार्कर एलर्ट्स है ना, ये मार्कर एलर्ट्स है 15 रुपये का पाकिस्तान में मिल जाए, 5 रुपये उस पर टैक्स लगा हुआ है। अब चूँकि सिंगापुर ड्यूटी फ्री कंट्री है, टैक्स नहीं लगा हुआ तो 10 रुपये का माल खरीद लोगे। मतलब ये चीज़ पाकिस्तान में ही बन रही है और पाकिस्तान में 15 रुपये की, सिंगापुर में आपको 10 रुपये की मिल जाएगी। क्यों? टैक्स हट जाएगा सारा। दैट इज़ कॉल्ड अ ड्यूटी फ्री कंट्री, फ्री पोर्ट जिसको हम कहते हैं, ठीक है। टैक्स है ही नहीं इसके ऊपर कुछ भी। ये क्यों करते हैं कंट्रीज़? अच्छे से नुकसान तो हो रहा है एक तरफ से, लेकिन फ़ायदा क्या हो रहा है? टूरिस्ट आ रहे हैं। दुबई ने यही तो गेम खेला था। दुबई में लिखा हो, दुबई किसी को शॉपिंग कार्ड कहते हैं, ड्यूटी फ्री उसके ऊपर लिखा होता है, ड्यूटी फ्री दुबई इसके ऊपर लिखा होता है। क्योंकि ड्यूटी है नहीं, टैक्स ही नहीं है, अभी बिना टैक्स खरीद लो आप सस्ते में खरीद लोगे। जहाँ पर बना है, जहाँ पर ये बना हुआ है, वो लोग उसको महंगा खरीद रहे और सिंगापुर वाले उसको सस्ता बेच रहे हैं, क्योंकि वो टैक्स हटा दे रहे हैं, टैक्स ले ही नहीं रहे। क्योंकि टैक्स आपको पता है ज़्यादातर अमाउंट तो आप टैक्स में दे देते हैं किसी भी चीज़ में, जितना यूज़ नहीं करते उससे ज़्यादा महंगे तो टैक्स है आजकल के दौर में। टूरिस्ट स्टे इन बिग होटल्स बट ईट मील्स इन स्मॉल रेस्टोरेंट्स टू एंजॉय द क्विजीन ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट। सैयाह ठहरते हैं बड़े बड़े होटल्स में ठहरते हैं वो, लेकिन वो खाना खाते हैं छोटे छोटे रेस्टोरेंट पे, ताकि टू एंजॉय, ताकि वो मज़ा ले सकें क्विजीन। क्विजीन किसे कहते हैं? क्विजीन एक तो कज़न होता है, कज़न किस पर रखे थे, क्विजीन इसको पढ़ेंगे, क्विजीन CUISIN। क्विजीन मतलब होता है खाने, रिजा डिशेस, ताकि वो मशरक और मगरब के खानों का मज़ा ले सकें। मोस्ट ऑफ सिंगापुरियन, मतलब सिंगापुर के कारण सिंगापुरियन राइस बड़ा मशहूर है, अगर आपको पता है तो। सिंगापुरियन राइस जो होती है उसके अंदर वो स्पैगेटी और वो राइस एक साथ मिलाकर यूज़ करते हैं, तो सिंगापुर की अपनी डिश है वो स्पेशल, अक्सर पाकिस्तान में के घरों में बनाई जाती है उसको, सिंगापुरियन राइस, ठीक है। और रेस्टोरेंट्स में मिली होती है अक्सर बहुत जगहों पर। तो मोस्ट ऑफ सिंगापुरियन वर्कफोर्स डिपेंड्स अपॉन ऑन द आउटसाइडर्स इन डिफरेंट वेज। ज़्यादातर सिंगापुरियन वर्कफोर्स, वहाँ के लोग जो काम काज करते हैं सिंगापुर के लोग, वो डिपेंड करते हैं आउटसाइडर्स पर मुख्तलिफ तरीक़ों से, वो टूरिस्ट पर ही डिपेंड करते हैं। मतलब वहाँ जो लोग हैं ना, इनके अपने लोकल्स जो हैं, मकामी लोग हैं, उनकी भी आमदनी का इनसार टूरिस्ट पर ही होता है। अब कैसे होता आगे बता रहे। कम्फर्टेबल एंड स्पेशियस पब्लिक बसेस प्लाई ऑन रोड्स टू ईज ट्रैफिक ऑन द रोड्स। कुशादा, कम्फर्टेबल, आरामदा और स्पेशियस कुशादा पब्लिक बसेस चलती हैं सड़कों में, ताकि सड़कों में ट्रैफिक को कम से कम किया जाए, उसके लिए ट्रैफिक को आसान किया जाए। देखो, जिस कंट्री में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ज़्यादा अच्छा होता है ना, वहाँ पर कभी ट्रैफिक जैम्स नहीं होते। मतलब एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम इतना अच्छा बना दिया जाए ना, कि उसकी वजह से जो है वो, क्योंकि एक, अगर आप मिसाल के तौर पर एक पिक्चर आपने देखी होगी कि एक बस में जितने लोग अकोमोडेट हो सकते हैं ना, उससे कहीं उस जितनी जगह एक बस घेर रही होती है ना, उससे कहीं ज़्यादा जगह कार्स वगैरह ये सब घेर रही होती है। तो अगर लोगों को बसेस में अकोमोडेट कर दिया जाए, बस इतना अच्छा बसेस को बना दिया जाए सिस्टम को, कि लोग सारे बस में सफ़र करें, तो ट्रैफिक फ्लो बहुत डाउन हो जाएगा। कराची में जैसे है ना कि मसले के रोड्स तो बहुत सारे, लेकिन ज़्यादातर लोग बसेस में ट्रैवल नहीं करते, अपने कार्स में, इस तरह से जो है वो टैक्सीज़ हैं, चिंगचीज़ हैं, बाइक्स उसमें ट्रैवल करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ट्रैफिक जैम बहुत दिखने में आता है कराची में। अब जैसे मैचेस वगैरह चल रहे हैं तो अक्सर ट्रैफिक जैम पड़ा रहता है मैचेस की वजह से शाम के वक्त। अब क्या है ना, जो फादर वगैरह, बड़े भाई वगैरह लेट आते होंगे जॉब से, चूँकि वो मसला इतना है ट्रैफिक का। अगर यही अगर पब्लिक बसेस हो जाती तो क्या होता, ईजिली ट्रैवलिंग होती। इससे ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्री के अंदर आप देखते हैं कि पब्लिक सिस्टम, बस का सिस्टम बड़ा अच्छा होता है, फिर वहाँ ट्रैफिक जैम भी नहीं होते इस वजह से। लेकिन हमारे चूँकि बस के निज़ाम इतना ख़राब है, मजबूरन हमें बाइक और कार्स यूज़ करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो रहा होता है। बस समझ में आ गई? तो आप कंपैरिजन करें उसको अभी पाकिस्तान के साथ, कि क्या चीज़ हम मिस कर रहे हैं और क्या चीज़ इनके अंदर है, सीखें इस चीज़ को। हम कहते ना, कुएं का मेंढक ना बने, डोंट बी लाइक द फ्रॉग ऑफ अ वेल। आप देखिए, दुनिया में ऐसे ऐसे जगह भी हैं, ऐसे ऐसे कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पर बहुत खुशहाली है, अगर जिनके पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। पाकिस्तान नेचुरल रिसोर्सेज एग्रीकल्चर रख के भी बहुत पीछे है दुनिया के बहुत कंट्रीज़ के साथ, जबकि हमारे पास खेती बाड़ी भी है, हमारे पास मादनियात भी है, उसके बावजूद हम बहुत पीछे हैं। आगे रीजन्स पता लग जाएंगे आपको क्यों। इवन वेल्दी पीपल एंड हाई ऑफिशियल्स ऑफन ट्रैवल इन दीज बसेस इंस्टेड ऑफ देयर ओन कार्स। यहाँ तक कि अमीर लोग और हाई ऑफिशियल्स, मतलब आला मर्तबे वाले लोग भी इन्हीं बसेस में ट्रैवल करते हैं बजाय अपने खुद की गाड़ी के। अमीर अमीर लोग भी कार में नहीं घूमते हैं, बल्कि वो इन बसेस में ट्रैवल कर रहे होती है, एयर कंडीशन होती है ना भाई, ईजी होती है, और बुलेट ट्रेन वगैरह होती है, बहुत फास्ट होती है। शायद कार में इंसान जाए तो देर में पहुँचोगे, इन बसेस में जल्दी पहुँच जाओगे। मतलब हमारी बसेस की तरह नहीं होती, इनका हाल बड़े डिफरेंट होता है। तो बड़े अमीर लोग भी, एक कंपनी के मैनेजर, चेयरमैन, CEO, वो लोग भी बसेस में ट्रैवल कर रहे होते हैं। आपने कभी देखा होगा अक्सर ऐसा मूवीज़ वगैरह में। और हमारे यहाँ तो ये होता है, गरीब जो है बेचारा वो जा रहा है बस में, बाकी कार गाड़ी में निकाल के जा रहे हैं। लेकिन अमीर, लेकिन डेवलप्ड कंट्री में ऐसा नहीं होता है, ठीक है।
तो मैनी ऑफ दीज बसेज आर एयर कंडीशन, ज़्यादातर बसेज इनमें से एयर कंडीशन होती हैं, बट द फेयर इज़ क्वाइट लो, लेकिन जो किराया है फेयर किराया बहुत थोड़ा होता है, बहुत कम होता है, हर बंदा उसमें ट्रैवल कर सकता है. नियर द पोर्ट इज़ अ चेंज एली, एले एले मतलब होता है गली, एले मतलब होता है गली, पोर्ट से करीब ही चेंज एले है. चेंज एले मतलब चेंज कहते हैं खुले को कहते हैं ना, वैसे चेंज एले मतलब जहाँ पैसों को खुला मिलता हो, या यहाँ पर जहाँ पर एक्सचेंज होते हो नोट्स, मतलब एक करेंसी को दूसरे करेंसी में चेंज करते हैं तो उसको चेंज एले कहा जाता है. तो अक्सर जगह पर वॉल स्ट्रीट भी उसको हम कहते हैं, तो वो वहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज होते हैं जो क्या करते हैं आपकी करेंसी को चेंज करते हैं. जैसे आपके पास पाकिस्तानी रुपीस है, उसको सिंगापुर के, सिंगापुर में जो करेंसी चलती है वो सिंगापुर डॉलर चलता है, सिंगापुर में भी डॉलर करेंसी चलती है तो सिंगापुरियन डॉलर उसको हम कहते हैं. ठीक है, डॉलर ही होती है बट सिंगापुरियन डॉलर कहलाता है वो. ठीक है, तो वहाँ पर रुपया नहीं चलता, या फिर अच्छा मलेशिया की अपनी अलग करेंसी है वो रिंगिट, मलेशिया में जो करेंसी चलती है उसको रिंगिट कहते हैं, रिंगिट, लेकिन जो वहाँ चलती है सिंगापुर में वो सिंगापुरियन डॉलर है, वो डॉलर चलाते हैं. ठीक है, यू मे फाइंड एवरी करेंसी ऑफ द वर्ल्ड बींग एक्सचेंज एंड ट्रेडेड इन दिस नैरो एंड डार्क मार्केट. आप देख सकेंगे कि हर तरह के करेंसी, हर दुनिया के हर करेंसी वहाँ पर एक्सचेंज हो रही होगी और ट्रेडेड, और उसको ट्रेड किया जा रहा होगा, खरीदा बेचा जा रहा होगा इस तंग से, और डार्क मार्केट एक तारीख से मार्केट में जहाँ पर रोशनी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, और नैरो सी मार्केट होती है क्योंकि लोकल्स अक्सर ये काम कर रहे होते हैं वहाँ पर. तो वो एक छोटी सी पतली सी एक मार्केट होती है, पतली सी गली होती है, उसके अंदर लोग इसका करेंसी एक्सचेंज कर रहे होते हैं. आफ्टर एक्सचेंजिंग मनी, चूँकि जाहिर सी बात है ये जो करेंसी लेकर गए होंगे वो पाकिस्तानी रुपीज़ लेकर गए होंगे, अब उसको चेंज करना है ना कुछ ख़रीदने के लिए, तो उन्होंने उसको सिंगापुरियन डॉलर में चेंज करवा लिया. आफ्टर एक्सचेंजिंग मनी, मनी एक्सचेंज करने के बाद, वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ विजिट टू द सिटी. हमने फैसला किया कि हम शहर का सफ़र करेंगे. द लार्जेस्ट मार्केट इन सिंगापुर वॉज रैफल्स पल्स. सिंगापुर की सबसे बड़ी मार्केट का नाम है रैफल्स पल्स, विच वॉज वेरी क्लोज टू द पोर्ट, जो पोर्ट से बंदरगाह से बहुत करीब थी. ऑल द शॉप्स देयर वर लार्ज एंड मल्टी स्टोरी. वहाँ जितने भी शॉप्स थे, वहाँ पर जितने भी दुकानें थी वो लार्ज, वो बड़ी थी, मल्टी स्टोरी मतलब दो मंजिला तीन मंजिला मल्टी स्टोरीज थी. डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स फॉर सोल्ड ऑन ईच साइट. हर तरह की अलग अलग तरह की चीज़ें वहाँ पर बेची जा रही थी हर जगह पर. वॉकिंग इन टू द बिग शॉप्स विथ अ स्मॉल पॉकेट वॉज पुटिंग वन इन द इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स. इन बड़ी बड़ी दुकानों में जाना विथ अ स्मॉल पॉकेट मतलब कम पैसे लेकर, इतनी बड़ी बड़ी दुकानों में जब आप कम पैसे लेकर जाते हैं, वॉज पुटिंग वन, वो आपको डाल देगा इन द इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स. इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मुराद एहसास से कमतरी, आपको एहसास से कमतरी में डाल दी गई है. मतलब आप जाहिर सी बात है, देखो सिंगापुर जो है ना, अभी मैंने आपको ये बताया कि वहाँ पर चीज़ें टैक्स नहीं है, चीज़ें सस्ती हैं, लेकिन वही चीज़ें सस्ती हैं जो पूरी दुनिया में के लिहाज से चीज़ रेट उनके ऑलरेडी कम है. अब सिंगापुर के अंदर तो बहुत महंगे महंगे ब्रांड्स के भी आउटलेट्स होंगे, एल बी का जैसे लुइस विटॉन है, उसका कोई आ गया, शैनल का आ गया कोई उसमें आउटलेट. ठीक है, मतलब जो मशहूर जो है वो डॉल्सियन का बाना, इस तरह बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, परफ्यूम ब्रांड्स हैं, कॉस्मेटिक ब्रांड्स हैं, ज्वेलरी ब्रांड्स हैं. अब वो ब्रांडेड चीज़ें बहुत महंगी होती हैं, बहुत ज़्यादा महंगी, जैसे लुइस विटॉन है, एल वी जिसको हम कहते हैं. तो अब उसकी एक जैसे कि एक लेडीज़ बैग ही लेने जाएंगे तो पाकिस्तानी 1.5-2 लाख रुपये का मिलेगा वो लुइस विटॉन. आप बोलोगे सर मेरे पास वो 200 रुपये का लिया डिस्को मोड से मैंने, वो लिखा हुआ होता है ऐसे ही, वो रेप्लिका होता है, वो लिखते होते थे एल वी, वो एल वी नहीं है भाई, वो एम्पोरियो अरमानी लिखा होता है, वो रियल एम्पोरियो अरमानी नहीं है, वो रियल कैल्विन क्लीन नहीं है. मतलब वो कहने की क्या क्या बातें हैं. डियोर लिखा होता है किसी में, डी आई ओ आर डियोर, रियल डियोर इतना सस्ता नहीं होता है. ठीक है, हमारा तो डायोर पड़ता है, डायोर डेट डियोर. ठीक है, तो असल जो होते हैं ना बेटा बहुत महंगे होते हैं, दे आर सो एक्सपेंसिव, मतलब लाखों में बात हो रही होती है उसके अंदर. पेरिस के ब्रांड्स जो होते हैं, फ्रेंच ब्रांड सारे होते हैं, बहुत महंगे होते हैं. कराची में आपको बस मिलेगा पार्क टावर में, पार्क टावर क्लिफ्टन में, तो बस वहीं पर आपको उसके रियल ब्रांड्स मिलेंगे, शैनल हो गया, लुइस विटॉन हो गया उसके, बाकी आपको पूरे कराची में कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक जगह जहाँ पर आपको मिलते हैं, या लुई लकी वन में शायद मिल जाए तो मिल जाए, डोंट नो अबाउट दैट. लेकिन बहुत महंगे होते हैं, आप पहले ही वहाँ से कट लेते हो बेटा, तो यहाँ से तो बेटा कट लो कहीं और से, होता है ना भी ऐसा अक्सर, चीज़ें बहुत महंगी होती हैं बिल्कुल. अब जाहिर सी बात है जब वो चीज़ वहाँ महंगी है तो सिंगापुर में महंगी होगी, क्योंकि उसके रेट ही दुनिया में ऐसे हैं. अब वो टैक्स वगैरह हटा भी दे तो वो महंगे ही पड़ेंगे आफ्टर द टैक्सेशन. तो वहाँ पर कह रहे हैं कि इतने बड़ी बड़ी दुकानों में जब हम जाते हैं छोटी पॉकेट लेकर, मतलब कम पैसे लेकर, तो हम ऐसा से कंपनी में मुबतला हो जाते हैं कि भाई इतनी महंगी चीज़ें भी दुनिया में हैं. और मैं सही बता रहा हूँ आपको, लाखों रुपये के पर्सेज हैं भाई, होते हैं,
ठीक है, ऐसा पॉसिबल है, आप इंटरनेट पे जाओ सर्च करो, आपको रेट्स दिख जाएंगे। US डॉलर में लिखा होगा, आप कन्वर्ट करो पाकिस्तान रुपीज़ में, आपको पता लग जाएगा। होता है ना भाई ऐसा, लेकिन हम कभी नहीं खरीदते उसको। स्मॉल टाउनर है ना भाई, हम स्मॉल टाउनर है तो हम तो कभी नहीं खरीदते, सच्ची बात है। तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, देर इज़ नो इशू। बस हमें जो राहत है भाई, जिसको अल्लाह देता है वो खरीदता, नहीं देता नहीं खरीदता, सिंपल सी बात है। मतलब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन एहसान यहाँ कह रहे हैं कि वो एहसास कमतरी में आ जाता है, इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाता है कि यार इतनी महंगी चीज़ें भी हैं और हमारे पास इतने पैसे नहीं खरीदने के लिए। बट देयर वॉज नो बार टू विंडो शॉपिंग, लेकिन वहाँ पर कोई बार बार से मुराद वहाँ पर कोई रुकावट, वहाँ पर रोक टोक कोई विंडो शॉपिंग की कोई रोक टोक नहीं थी। मतलब ये कि मतलब विंडो शॉपिंग कर सकते हैं, विंडो शॉपिंग किसे कहते हैं? विंडो शॉपिंग पता है कि बस वो लाइक आप विंडो को देखते रहे बस चले जाते हैं ना, विंडो शॉपिंग देखते रहे, मतलब देखना माना नहीं था, आप विंडो शॉपिंग कर सकते थे। वो विंडो शॉपिंग अक्सर दिखाते ना, वो देख कर वगैरह खड़े होकर देख रहे होते हैं विंडो में, बस वो मना नहीं है। तो वो कुछ लोगों के लिए अच्छा, इतने महंगे महंगे ब्रांड्स लाजमी विंडो शॉपिंग करवाते हैं ना, वो इसलिए कि अगर जो इंसान खरीद नहीं सकता एटलीस्ट उसको देख तो ले कि भैया ब्रांड की चीज़ें दिखती कैसी हैं। ठीक है, देखा होगा आपने मूवीज वगैरह में अक्सर विंडो शॉपिंग के सीन्स वगैरह दिखाते हैं। अच्छा, बार्गेनिंग वॉज कॉमन इन सिंगापुर एज इन हांगकॉन्ग मलेशिया नियरली ऑल एशियन कंट्री। बार्गेनिंग जो है ना, बार्गेन करना मतलब भाव ताव करना, भाव करना, ये कॉमन है सिंगापुर में, जैसे हांगकॉन्ग मलेशिया और बाकी तमाम एशियन कंट्रीज़ में हमारे रिवाज है कि हम तो मोल तोल करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, बिना बार्गेनिंग के चीज़ नहीं लेते। वन ऑफ द मार्केट्स हियर इज़ अरब स्ट्रीट, एक मार्केट यहाँ पर अरब स्ट्रीट के नाम से नोन थ्रू आउट सिंगापुर फॉर रीजनेबल प्राइजेस, जिसको पूरे सिंगापुर में जाना जाता है अपने रीजनेबल प्राइजेस की वजह से, अपनी माकूल कीमत की वजह से, जहाँ पर कम कीमत में आपको चीज़ें मिल सकती हैं, जहाँ अगर पैसे कम है तो अरब मार्केट से आप चीज़ों को जाकर खरीद लें, वहाँ पर बार्गेनिंग भी हो जाती है, बार्गेन कर सकते हैं। ऑल्दो द रेन फॉल्स ऑलमोस्ट इनसिस्टेंटली, अगरचे बारिश लगातार होती रहती है, इनसिस्टेंटली लगातार बारिश होती है यहाँ पर सिंगापुर में, बारिशें बहुत होती हैं, डेली समझो बारिश होती है यहाँ पर सिंगापुर में। सिंगापुर इज़ वेरी क्लीन, ये देखो यहाँ पर अगरचे रोज़ाना बारिश होती है यहाँ पर, उसके बावजूद सिंगापुर वेरी क्लीन, बहुत साफ है। वन कैन सी द क्लीनलीनेस ग्रीनरी एंड रोज ऑफ फ्लावर्स नेक्स्ट टू ईच हाउस, आप देख सकते हैं सफाई, ग्रीनरी, हरियाली एंड रोज ऑफ फ्लावर्स, और फूलों की कतारें हर घर के सामने आप देख सकते हैं कि उसमें आप सफाई, हरियाली और फूलों की कतार आपको हर घर के बाहर मिलती है यहाँ पर। सिंगापुर रिकॉग्नाइज एज द मिस्टर क्लीन ऑफ द वर्ल्ड, सिंगापुर को समझा जाता है मिस्टर क्लीन ऑफ द वर्ल्ड, इसको खिताब दिया गया, टाइटल दिया गया मिस्टर क्लीन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के मिस्टर क्लीन, मतलब मिस्टर क्लीन से मुराद है जहाँ पर हर चीज़ साफ़ सुथरी है, पूरा शहर दुनिया का सबसे साफ सुथरा कंट्री सिंगापुर कहलाता है, द क्लीनेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, मिस्टर क्लीन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। द स्पिरिट ऑफ क्लीनलीनेस इन प्रेजेंट इन एवरी वन, और ये सफाई का जज्बा हर शख्स में मौजूद है, फ्रॉम चिल्ड्रेन टू एल्डर, बच्चों से लेकर बड़ों तक के अंदर सफाई के जज्बा मौजूद है, सिर्फ गवर्नमेंट नहीं करती बेटा, लोग भी होते हैं जो किसी शहर को साफ करते हैं। द जापानीज सेइंग दैट, जापानियों में क्या कहावत है, जापानी कहते हैं कीप योर हाउस एंड द फ्रंट ऑफ द स्ट्रीट क्लीन सो यू सी द होल सिटी क्लीन, अपना घर और अपने और घर के सामने की सड़क बस आप साफ रखें और आप देखेंगे ऐसे ऐसा करके पूरा शहर साफ हो जाएगा, ये जापानियों की कहावत है। इस प्रैक्टिस हियर इन लेटर एंड स्पिरिट बाय द पीपल, इस चीज़ को यहाँ पर पूरी तरह से अमल किया जाता है, इन लेटर एंड स्पिरिट, पूरे जोश व खरोश से इस चीज़ पर अमल किया जाता है, इस प्रोवर्ब पर, इस सेइंग पर सिंगापुर में। बिसाइड्स द गवर्नमेंट इज ऑल्सो स्ट्रिक्ट इन द मैटर ऑफ क्लीनलीनेस, इसके साथ साथ गवर्नमेंट भी बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत सख्त है इन द मैटर ऑफ क्लीनलीनेस, सफाई के मामले में बहुत सख्त है वहाँ की गवर्नमेंट। लार्ज फाइन्स आर इम्पोज ऑन स्मॉल ट्रांसग्रेशंस, बड़े बड़े फाइन, बड़े बड़े जुर्माने लग जाते हैं, इम्पोज लग जाते हैं लार्ज फाइन, बड़े जुर्माने, ट्रांसग्रेशंस मतलब कानून तोड़ने पर, कानून तोड़ने पर बड़े बड़े जुर्माने लग जाते हैं। $50 ऑन स्पिटिंग, सुनो भाई $50 स्पिटिंग पर, थूकने पर, एक इंसान थूक दे रहा है अगर रोड पे, $50 का जुर्माना है, पाकिस्तानी कन्वर्ट कर लेना घर जाके, 12,500 लगभग एक बार सिर्फ थूकने पे, हमारे जिसको पिचकारी मार रहा होता है इधर उधर बैठ के, है ना भाई, वहाँ $50 का जुर्माना है भाई, ऐसे रूल्स होने चाहिए कंट्री के अंदर। $50 ऑन स्पिटिंग एंड ह्यूज पेनल्टीज और इवन जेल टर्म्स फॉर लिटरिंग टू रोड्स, और बड़े बड़े पेनल्टी, बड़े बड़े जुर्माने लग जाते हैं, सज़ा लग जाती है, और इवन जेल, यहाँ तक कि जेल भी हो जाती है फॉर लिटरिंग, लिटरिंग मतलब कचरा फैलाना,
रोड पे अगर कचरा फैला के आपने टॉफी खाया कचरा फेंक दिया तो जुर्माना तो अलग है, जेल अलग कर देंगे हम आपको। मतलब बच्चे फेंकेंगे तो 18 साल से कम उम्र पे जेल नहीं होती है, बट उनके पेरेंट्स को शायद जुर्माना हो जाता है, ये कोई सिस्टम होता है, घर वालों पर हो जाता है ताकि उन्होंने सिखाया क्यों नहीं इसको। बच्चों को तो जेल में नहीं डालेंगे ना भाई, बच्चों के लिए लाओ ही नहीं। गार्बेज बिन्स आर प्लेस इन एवरी नूक एंड कॉर्नर, कूड़ादान रखा होता है एवरी नूक एंड कॉर्नर, हर किनारे पर, सड़क के हर किनारे पर आपको कूड़ादान मिल सकता है वहाँ पर। हमारे यहाँ तो यही होता है ना कि हम चलो खा लिया हमने को टॉफी, फेंके कहाँ, कूड़ादान तो है ही नहीं। ये भी मसला है ना कि यार गवर्नमेंट भी तो ख़राब है ना यार, चलो पब्लिक तो है ही ख़राब, वो तो मानते हैं, कूड़ादान तो रखो ताकि वहीं डाल दें, वो उसमें पब्लिक फिर ख़राब है, कूड़ादान रखते हैं वो चोरी हो जाते तो पब्लिक फिर ख़राब है, मिलकर तबाह करते हैं पाकिस्तान को, गवर्नमेंट और लोग मिलकर तबाह कर रहे हैं पाकिस्तान को, सही बात है। देयर इज़ द मिनिमल नॉइस एंड एयर पॉल्यूशन, बहुत थोड़ा सा नॉइस पोल्यूशन है वहाँ पर, एयर पोल्यूशन है, शोर शराबा बहुत ज़्यादा नहीं है और हवा की आलूदगी भी इतनी ज़्यादा नहीं है वहाँ पर। लॉज आर स्ट्रिक्ट एंड द पुलिस फोर्स इज ऑनेस्ट, कानून वहाँ पर सख्त है और जो पुलिस फोर्स वहाँ की, जो पुलिस जो है वो बहुत ऑनेस्ट है, बहुत ईमानदार है वहाँ की पुलिस। आफ्टर विजिटिंग वर्ल्ड सीइंग साइट्स इन द सिटी ऑफ सिंगापुर, वी डिसाइडेड टू विजिट द कंट्री साइड, वर्ल्ड सीइंग साइट, दिलकश नज़ारे, सिंगापुर के शहर के दिलकश नज़ारे को देखने के बाद हमने सोचा कि अब हम कंट्री साइड, मतलब गांव देहात का भी विजिट करते हैं, थोड़ा सा गांव देहात वाले भी एरिया इसके अंदर मौजूद हैं, चूँकि बस 28 किलोमीटर्स का एरिया शहर वाला है, बाकी अक्सर गांव देहात वाले एरिया भी इसके अंदर है, कि मैं देहात का विजिट करता था। वी बोर्डेड द बस दैट टू टेक अस टू चंगी वैलेज, हम एक बस में बैठे जो हमें लेकर गई चंगी वैलेज, गाँव का नाम है चंगी, चंगी वैलेज, विच ले एट द आइलैंड्स एंड, जो इस जजीरे के किनारे पर मौजूद था, जजीरा का है ना जो आइलैंड जो पूरा है उसके बिल्कुल किनारे पर चंगी वैलेज मौजूद था। वी लेफ्ट द सिटीज हसल एंड बसल एंड पास थ्रू द ब्यूटीफुल एंड सीरीन एटमॉस्फेयर ऑफ दैट कंट्री साइड, हमने छोड़ा कंट्री के हसल एंड बसल, हसल एंड बसल मतलब चहल पहल को, हमने शहर के चहल पहल को छोड़ा और हम फिर गुजरे खूबसूरत सरीन, सरीन का मतलब होता है खामोश, खूबसूरत और खामोश फिज़ा से गुजरे हैं उस देहात की, क्योंकि गाँव का फिज़ा आपको पता है खामोशी बहुत होती है उसके अंदर, खूबसूरती होती है। देयर वॉज ग्रीनरी एवरीवेयर, हर जगह पर हरियाली थी। अ कोस्ट लाइन ऑल्सो रैन अलॉन्ग द रोड, कोस्ट लाइन मतलब साहिली पट्टी, साहिली पट्टी सड़क के साथ साथ चल रही थी, सड़क के साथ साथ साहिली पट्टी भी थी। एज अवर बस मेड अ ब्रीफ स्टॉप ऑन द वेस, हाफ अ डजन गर्ल्स गॉट इन टू द बस, सॉरी देयर वर ऑर्चर्ड्स ऑफ पाइन एपल एंड फॉरेस्ट ऑफ रबर ट्री, वहाँ पर ऑर्चर्ड्स थे, ऑर्चर्ड मतलब फलों का बाग, फलों का बाग ऑर्चर्ड, वहाँ पर फलों के बाग थे, कौन से फल के बाग थे, पाइनएप्पल अनानास, अनानास के बागात थे। अच्छा पाकिस्तान में आपको पता है कि अनानास के बाग नहीं होते, हैबिटेट नहीं है पाकिस्तान का, पाकिस्तान जो पाइनएप्पल को बाहर से मंगवाता है, इंपोर्ट करता है, लेकिन सिंगापुर के अंदर उसकी जो फ़िज़ा है ना, चूँकि बारिशें जहाँ ज़्यादा होती हैं वहाँ पर पाइनएप्पल उगता है, तो वहाँ पर पाइनएप्पल के ऑर्चर्ड्स उन्होंने देखे, बागात पाइनएप्पल का अगर देखोगे ना, वो एक दरख्त में एक पौधा सिर्फ उसका फल निकल रहा होता है, क्योंकि वो तना स्टेम होता है उसका पूरा ना, वो उसके ऊपर फिर पत्ते निकल रहे होते हैं उसके ऊपर से, तो पाइनएप्पल के ऐसा है कि एक दरख्त में एक ही फल आएगा, उसके अलावा फल नहीं आएगा, एक ही बार फल, जैसे केले का दरख्त एक ही बार फल देता है उसके बाद नहीं देता, सेम ऐसे ओके। तो देयर वर ऑर्चर्ड्स ऑफ पाइनएप्पल, वहाँ पर पाइनएप्पल के बागात थे अनानास के, एंड फॉरेस्ट ऑफ रबर ट्री, और रबर के दरख्त के भी जंगलात वहाँ पर मौजूद थे। अब रबर का भी दरख्त होता था, अच्छा अब तो रबर को हम सिंथेटिकली बनाते हैं, वरना एक दरख्त होता है ना, रबर के दरख्त भी होते थे मलेशिया में, सिंगापुर में बड़ी तादाद में थे, आज भी हैं, जब उसको कट करते हैं उसके अंदर से रबर जैसी एक चीज़ निकलती है, उसको जमा करके रबर बनाया जाता था, ठीक है, रबर टाइप की एक चीज़, तो रबर के दरख्त हुआ करते थे पहले, अब जो रबर होते हैं वो ज़्यादातर सिंथेटिकली उसको हम रिएक्शंस करके बना लेते हैं केमिस्ट्री में, लेकिन पहले उसके रबर के पूरे दरख्त हुआ करते थे जिसमें से रबर निकलता था जेली टाइप का, उसको फिर जमाते थे। तो वहाँ पर रबर के दरख्त भी देखे हमने। एज अवर बस मेड अ ब्रीफ स्टॉप ऑन द वेज, जब हमारी बस वहाँ पर रुकी एक मुख्तसर से वक्फे के लिए रास्ते में रुकी, हाफ अ डजन गर्ल्स गॉट इन टू द बस एंड ट्राई टू सेल अस पाइनएप्पल, आधी दर्जन लड़कियाँ वो बस में दाखिल हुई और उन्होंने कोशिश किया हमें पाइनएप्पल बेचने की, अनानास बेचने की, क्योंकि गांव देहात था ना वहाँ पर, तो गर्ल्स वहाँ पर चढ़ी और अनानास उनके पास था और उन्होंने कहा कि भाई पाइनएप्पल बेचते हैं। द टॉप ऑफ द पाइनएप्पल वॉज कट ओपन,
पाइनएप्पल का जो टॉप था जिसके ऊपर नॉर्मली जो है वो आपको पता है जो पत्ते वगैरह निकल रहे होते हैं उसको काटा गया था, एंड द फ्लैश ऑफ द फ्रूट वॉज स्लाइस, फ्लैश मतलब एक गूदा जिसको हम कहते हैं, और जो फल का गूदा था उसको स्लाइस कर दिया गया, उसको काट दिया गया था, क्योंकि एक पाइनएप्पल को कट करना भी एक बड़ा मुश्किल काम होता है, तो वो कट करके लड़कियाँ वो लेकर आई थी। उसका पूरा एक ट्रिक होती है उसको कट करने की, अगर पाइनएप्पल को जो कट करते हैं उतना आराम से कट नहीं होता वो। ईच ऑफ अस बाउट वन और टू पाइनएप्पल एंड एन्जॉयड द फ्रूट, हमें से हर एक ने एक या दो अनानास को ख़रीदा और फिर उसके बाद उसको खाया उसको और इन्जॉय किया हमने उसको ईट करना थ्रू आउट द जर्नी। लास्ट पैराग्राफ, द वर्ड सिंगापुर मीन्स सिटी ऑफ लायन, सिंगापुर के मतलब होते हैं, सिंगापुर जो खुद एक वर्ड है ना, मलाय लैंग्वेज का वर्ड है सिंगापुर, इसके मतलब होते हैं द सिटी ऑफ लायंस, शेरों का शहर। क्यों कहते हैं अब इसको, वन कैन फाइंड द मार्बल स्टेजेस ऑफ लायंस एवरीवेयर, आप ढूंढ सकते हैं मार्बल संगमरमर के बने हुए मुजस्मों को, जो लायंस के ना शेरों के संगमरमर के बने हुए मुजस्मे हर तरफ बिखरे हुए वहाँ पर, इसलिए उसको सिटी ऑफ लायंस कहा जाता है। लायंस के स्टेचू बहुत हैं वहाँ पर, मार्बल के बने हुए, संगमरमर के बने हुए। सिंगापुर इज़ द फ्यूजन ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट, सिंगापुर मिलाप है मशरक़ और मगरिब का, सिंगापुर वो जगह है जहाँ मशरक़ मगरिब से मिलती है जाकर, मशरक़ी और मगरबी दोनों कल्चर आकर यहाँ पर मिल जाता है। वन फाइंड्स मॉडर्न बिल्डिंग्स एंड लाइफ स्टाइल्स को एग्जिस्टिंग विद द ट्रेडिशनल वेज ऑफ लाइफ, आप ढूंढ सकते हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पर जदीद इमारतें और जदीद लाइफ स्टाइल, जदीद रहन सहन को एग्जिस्टिंग जो साथ में हैं विद द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, रवायती तरीके ज़िंदगी के साथ, रवायती ज़िंदगी जो होती है ईस्टर्न लोगों की, उसके साथ वेस्टर्न लोगों के जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल होती है वो सब आपको वहाँ पर सिंगापुर में देख सकता है। गवर्नमेंट स्पेंड्स 25% ऑफ इट्स इनकम ऑन एजुकेशन, एक और बात समझिए, सिंगापुर की जो हुकूमत है वो 25% इनकम अपनी आमदनी तालीम में लगाती है, 25%, और पाकिस्तान में आपको पता है 2% लगता है, अफसोस का मकाम है। सोचिए आप ज़रा, सिंगापुर 25% अपने बजट का लगाती है, किसको देती है, तालीम को देती है, और पाकिस्तान अपना सिर्फ 2% देता है किसको, तालीम को, 60% देता है डिफेंस को, डिफेंस मतलब फौज को, और 2% जाते हैं सिर्फ किसको, तालीम को। मैं कोई तंज नहीं कर रहा, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा किसी चीज़ पर, लेकिन मैं बता रहा हूँ सोचने का मकाम है कि 60% हम डिफेंस को दे रहे हैं अपना बजट, अफवाज और पाकिस्तान को, 2% दे रहे हैं सिर्फ तालीम को, तो तालीम तो पाकिस्तान में ऐसी रहेगी और फौज बुलंद रहेंगे हमेशा से। तो सिटीजन्स आर इंकरेज टू गेट एजुकेशन एंड देर इज इनफ प्रोविजन इन स्कूल्स टू अकोमोडेट एवरी चाइल्ड ऑफ कंट्री, सिटीजन्स शहरियों को इंकरेज किया जाता है, उनको हौसला बढ़ाया जाता है कि वो तालीम हासिल करें, और वह इनफ प्रोविजन मतलब जगह, वहाँ के स्कूलों में इतनी काफ़ी जगह होती है टू अकोमोडेट, कि वहाँ भर्ती कर दें मुल्क में मौजूद हर एक बच्चे को, मतलब जितने बच्चे हैं ना स्कूल उस जितने बच्चे हैं सिंगापुर में उसके लिहाज से उतने स्कूल्स हैं वहाँ पर, मतलब कमी नहीं है, कितनी जगह है स्कूल के, तमाम सिंगापुर के बच्चे वहाँ पर पढ़ सकते हैं। और मैं आपको बताता हूँ, अभी मैंने इंटरनेट पर चेक किया, 97.6% लिटरेसी रेट है दुनिया में, 98% के अलावा राउंड ऑफ 98% लिटरेसी रेट, 98% लोग पढ़े लिखे हैं, और ये पता है पाकिस्तान के अंदर इसके रेट है 62%, पाकिस्तान में 62% लोग पढ़े लिखे हैं, लिटरेसी रेट जो इस साल का है पाकिस्तान का, और उसका 98% है, क्योंकि ये खर्च कर रहे हैं 25% तक अपना बजट किसको, तालीम को, और पाकिस्तान जो कि 2% खर्च कर रहा है, तो हमारे पास सिर्फ 62% है, बहुत कम है ना देखा जाए तो फ़र्क है ना भाई, जो आप पैसे लगाएंगे अगर तालीम पर तो मुल्क में लिटरेसी बढ़ेगी ना, आप पैसे लगा नहीं रहे तालीम पर तो मुल्क में लिटरेसी थोड़ी ना आगे जाएगी। ओके, बिसाइड्स प्रोवाइडिंग देम क्वालिटी एजुकेशन, स्टूडेंट्स आर इंकरेज टू पार्टिसिपेट इन डिबेट्स स्पीचेस एंड स्पोर्ट्स, उनको क्वालिटी एजुकेशन मेयारी तालीम मुहैया करने के साथ साथ तालिब इल्मों को इंकरेज किया जाता है, उनका हौसला बढ़ाया जाता है कि वो पार्टिसिपेट करें, कि वो शिरकत करें डिबेट्स में, डिबेट्स मतलब मुबाहिसे में, बहस जो करते हैं, डिबेट कॉम्पिटिशन्स में, स्पीचेस तकरीर करने में, एंड स्पोर्ट्स और खेल कूद में भी वो दिलचस्पी लें, उसमें भी उनको मोटिवेट किया जाता है। वी विजिटेड वन सच कंपटीशन, हम ऐसा एक कंपटीशन हमने वहाँ पर उसका विजिट किया, ऐसा एक मुकाबला स्पीच कंपटीशन था, वी विजिटेड वन सच स्पीच कंपटीशन, हमने वहाँ एक तकरीरी मुकाबले में शिरकत किया, एंड वी आर क्वाइट इम्प्रेस्ड विद दैट स्टूडेंट्स टैलेंट एंड कॉन्फिडेंस, और हम काफ़ी मुतासिर हुए, इम्प्रेस्ड मुतासिर हुए, और हम काफ़ी मुतासिर हुए स्टूडेंट्स तालिब इल्मों के टैलेंट, उनके काबिलियत को देखकर, एंड कॉन्फिडेंस उनके एतमाद को देखकर,
कि बच्चे तालीमी याफ्ता तो हैं, साथ में इतना कौन। तो ये चीज़ हमने देखा भी, मुबशिर ने अच्छी सी शेयर की मुझसे, तो मैं भी बता दूं कि अभी लास्ट टाइम मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि कितने लाख, 7 लाख, तकरीबन 7 लाख के करीब लोग तकरीबन लगभग पाकिस्तान छोड़कर चले गए। इस साल की जो रिपोर्ट है इस ईयर, 7 लाख पाकिस्तानी नौजवान वो पाकिस्तान छोड़कर डिफरेंट कंट्रीज़ चले गए। क्यों? वो नाउमीद हैं पाकिस्तान की सिचुएशन से, उनको पता है यार क्या करेंगे यहाँ पर, मतलब नहीं कुछ भी है ना चीज़ें। जैसे अभी आपने इस चैप्टर को पढ़ा, आपको लगा ना कंट्री ऐसी ही होती हैं, और यहाँ पर तो हमें कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं दिख रही इसके अंदर। तो पाकिस्तान से लोग छोड़कर चले जाते हैं अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए, अक्सर लोग चले जाते हैं लाइफ स्टाइल जीने के लिए। मैं आपको भी हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ, आप भी ऐसा करोगे जिसको मौका मिला। ठीक है भाई, पेज 128, सिंगापुर इज लोकेटेड इन, फर्स्ट क्या बताओ? ए हो जाएगा यस, साउथ एशिया। सेकंड, डैश इज नॉट अ नेशनल लैंग्वेज ऑफ सिंगापुर, यस बी फ्रेंच, गुड। थर्ड, डैश द पॉपुलेशन ऑफ सिंगापुर इज लिविंग फार अवे फ्रॉम द पोर्ट, यस 80%, जो 20% तो रहती है पोर्ट पे, बाकी 80% बाहर रहती है, डी ऑप्शन करेक्ट। फोर्थ है, वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट्स इन सिंगापुर इज रैफेल्स पल्स, सी ऑप्शन। पांचवा है, सिंगापुर इज कॉल्ड मिस्टर क्लीन बिकॉज ऑफ सी क्लीनलीनेस, गुड। छठा है, डैश स्ट्रीट ऑफ सिंगापुर इज रीजनेबल फॉर परचेज, ए अरब स्ट्रीट, या अरब मार्केट जिसको कह रहे थे वो सही है। सातवां, डैश सिटी इज 1 माइल अवे फ्रॉम सिंगापुर, बी जोहर, जोहर इज द सिटी ऑफ मलेशिया। एट, द लैंड ऑफ सिंगापुर कंसिस्ट ऑफ डैश एरिया, ए 225 square miles, टोटल लैंड जो एरिया का है वो कह रहे हैं। नाइन्थ है, इन सिंगापुर वी कैन फाइंड एवरी करेंसी ऑफ द वर्ल्ड इन, नाइन्थ इन सिंगापुर वी कैन फाइंड एवरी करेंसी ऑफ द वर्ल्ड, एक्सचेंज कहाँ किया था उन्होंने? ए चेंज एले, चेंज एले में जहाँ खुला मिलता है, या फिर चेंज वैली लिखा, एले हो गई, स्पेलिंग गलत लिखी थी, ए डबल एल ई वाई, चेंज एली, ठीक है, यहाँ गलत लिखा हुआ है बेटा, बुक में सही लिखा हुआ है चैप्टर में। टेंथ है, विच वन इज कॉमन इन सिंगापुर मार्केट्स, यस बी बार्गेनिंग, क्लियर है सबको? ठीक है, थर्ड एम सी क्यू उसको करेक्ट कर लें, थर्ड एम सी क्यू उसका आंसर होगा 20%, चूंकि 80% जो है ना वो 80% आबादी रहती है कहाँ पर भी, पोर्ट में, और ये कह रहे हैं अवे फ्रॉम द पोर्ट, अवे फ्रॉम द पोर्ट तो 20% रहती है ना, तो इसका ऑप्शन होगा करेक्ट 20%, तो 80% आपने लगाया होगा उसको करेक्ट कर लें, 20% कर लें, ठीक है।